Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आप मुझसे सवाल क्यों कर रहे हैं? जिसके साथ वो खड़े हुए बातें कर रहा है उससे पूछे ना, और अगर वो आ गया तो आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आप शायद भूल रहे हैं कि आप उन दोनों की शादी होने, और तुम ये भूल रही हो कि तंजीला मेरे लिए क्या है, और तुम अच्छी तरह जानती हो कि ये सब कुछ तुम मेरी मर्जी के खिलाफ कर रही हो। ये मत भूलो कि इस शादी के लिए मैंने अभी तक अपनी रजामंदी जाहिर नहीं की। क्या बात है, आपने मुझे इतनी जल्दी यहाँ क्यों बुलाया? आपको पता है मैं सब काम छोड़ के आई हूँ। काम ही कुछ है, और जब बहुत ही जरूरी काम हो तो सब कुछ छोड़ छाड़ के आना। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। This is for you, my princess. ये तो बहुत महंगी अंगूठी है। हाँ, ये रखिए। लेकिन तुमसे क्यों? और वैसे भी मेरे लिए तुमसे बढ़कर अब कुछ भी नहीं। One more thing. क्या? और ये वो रकम है जिसका मैंने तुमसे वादा किया था, 3 करोड़। तुम आज ही से अपने अकाउंट में जमा कराओ, अपना सारा कर्ज उतारो, और उसके बाद हम दोनों शादी करें। यही चाहती थी मुझे, मगर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम ये सब मेरे लिए कर रहे हो। जिनसे मोहब्बत की जाती है उनके दुख दर्द सब अपने आ जाते हैं। मुझे नहीं मालूम था ये कि तुम इतनी आसानी से मेरे जाल में फंस जाओगे। तुम सुबह घर आए थे? हाँ, क्या हुआ? क्या जरूरत थी आने की? अगर आना ही था तो मुझसे पूछ लेते। किस तरह बात कर रही हो, मैं समझा नहीं, क्या हुआ? सीशान, तुम जानते हो तंजीला आतिर की एक्स वाइफ रह चुकी है, और जब आतिर तुम्हें तंजीला के साथ देखता है तो बर्दाश्त नहीं कर पाता। हानिया, ये बात तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी। मुझे नहीं समझ आता कि आतिर को क्या प्रॉब्लम है। मैं तंजीला से शादी कर रहा हूं, वो मेरी होने वाली बीवी है, मैं जब चाहे उसे मिल सकता हूं। तो मुझे एक बात तो बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि आतिर, मेरा मतलब है कि वो अब कानूनी तौर पर तंजीला से शादी कर सकता? तुम कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें तो पता है वो बस थोड़ा सा प्रोटेक्टिव हो जाता है तंजीला के बारे में। उसे अब तंजीला की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी लेने की कोई जरूरत नहीं। तंजीला मेरी जिम्मेदारी, बेहतर होगा कि तुम आतिर को जाकर समझा दो। ठीक है।
अगर इसी तरह से चलता रहा तो बहुत देर हो जाएगी। मुझे कोई ना कोई तो ऐसी चाल जरूर चलनी पड़ेगी जिससे मैं तन्नो के पास जा सकूं और उसको अपने हाथों से जान से मार दूं। Come in. सर ये कुछ पेपर्स हैं, इन पर आपके साइन चाहिए। रख दे। सर ये अर्जेंट पेपर्स हैं, आप प्लीज अभी साइन कर दीजिए, मुझे बैंक भिजवाने हैं। मिस नारायण आपसे कहा ना, आपको समझ नहीं आती। रख दे, मैं कर दूंगा साइन। रुके दे, कर देता हूं सर। आई एम रियली सॉरी, मुझे आपसे इस तरह से बात नहीं।
सिर्फ कानून की नजर में होती। और तुम्हारा ये चेहरा नए नाम के साथ नई शनाख्त। तो नए चेहरे की भी तो जरूरत थी ना। तो बताओ कैसा लगा तुम्हें मेरा ये नया चेहरा? मेरा मतलब है नॉली, मुझे शान के साथ देखकर आतिर को अच्छा नहीं लगा। इसकी तकलीफ उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। अगर मैं क्या करूं आतिर, मैं मजबूर हूं, मुझे माफ कर दीजिएगा। साफ साफ बताओ तुम चाहती क्या हो? तंजीला की मौत। क्या मतलब? देखो आनिया, मैं अच्छी तरह जानती हूं कि तुमने मुझे धोखा दिया। आतिर को मेरे बारे में सब कुछ बताकर मैं चाहूं तो तुम्हारे बारे में आकर को सब कुछ बताकर तुमसे अपना बदला ले सकती हूं। अगर मैं ऐसा नहीं करूं क्योंकि मेरी जिंदगी का मकसद तंजीला की मौत है। जबकि तुम उसकी शादी करवाकर उसे फिर से जिंदगी की तरफ धकेल रही हूं, उसकी झोली में खुशियां डाल रही हूं। इसके बदले तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुम्हारे घर में पना। पना? और वो भी मेरे घर में? क्योंकि मैं तन्नो को अपने हाथों से मारना चाहती हूं। उसकी आखिरी सांसें अपनी आंखों से निकलते हुए देखना चाहती हूं। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? तुम बेफिक्र रहो, मुझे अब आतिर में कोई दिलचस्पी नहीं। कुछ नहीं करना होगा, बस मेरा साथ देना होगा। घर में दाखिल होने का रास्ता मैं खुद बना लूंगी।
पता नहीं कहां से ये नौरीन नूरैन बनकर सामने आकर खड़ी हो गई। अगर इसने सच में आतिर को सब कुछ बता दिया तो जो थोड़े से पल थे वो भी मुझसे छीन लिए जाएंगे। शान का क्या करूं, किसी भी तरह से शादी रुकवानी पड़े, कुछ भी हो जाए, किसी भी बहाने से। नूरैन की क्या हरकत है? I'm so sorry sir, मैं आपकी गाड़ी में आके बैठ गई, मुझे चक्कर आ रहे थे। तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नहीं सर नहीं, आप ऐसा करें मुझे घर ड्रॉप कर दीजिए, अगर मैं लेट हो गई तो मेरे हस्बैंड मुझसे झगड़ा करेगा। आपको तो पता है वो मुझ पर कितनी ज्यादती करते हैं, मुझ पर हाथ भी उठाते हैं। ओके नूरैन, मुझे आपके साथ देखकर आपके हस्बैंड कहीं दोबारा फिर से? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगी। मैं आपको तकलीफ दे रही हूँ उसके लिए माफी चाहती हूँ, मगर मेरी तबीयत खराब नहीं होती तो मैं आपको ये तकलीफ नहीं देती। आई एम सो सॉरी। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फैसल, आतिर और फिर वो सर्वर भी तो था जो तुमसे शादी करते करते रुक गया, और अब जीशान जो कल तक तुम्हें जानता भी नहीं था और आज शॉपिंग करवा के ड्राइवर के हाथों भिजवा रहा है। क्या कहना चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आशिक तो तुम्हारे बहुत है, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत किसी को रास नहीं आती। क्या ये सब और तुम यहां क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं इस घर के लिए अपना रास्ता खुद बना लूंगी।